सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मुबारक हो आरिफ, नाइम सुल्तान के बारे में बनाई हुई खबर पसंद आई, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। आपकी नाक से तो खून बह रहा है। फिक्र मत कीजिए पाशा, हम ठीक हैं। मैं तबीब को बुलाकर लाता हूँ। फिक्र करने की जरूरत नहीं है पाशा। क्या हुआ पाशा? बोलो, तबीब को बुलाया जाए सुल्तान मौसम के लिए। सुल्तान मौसम के हुक्म के मुताबिक पाया तख्त के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ मजदूरों को भारी रिश्वत दी गई है। छोटे जख्म तकलीफ नहीं देते पाशा, लेकिन नमक तुम्हारे जख्मों के लिए अच्छा होगा। हमारे जिस्म के साथ दिल भी थक गया है। आपको आराम की सख्त जरूरत है सुल्तान मौजम। महमूद पाशा से वो जानते हैं कि खुफिया तंजीम कहाँ है और कैसे काम करती है। वो अगर हमें उससे एक लफ्ज भी मालूम हो जाए तो अब्दुल हमीद को कायल करके तहसीन पाशा का तबादला कर सकते हैं। मैं तफरीही मकाम पर नहीं आ सकती, मुझे बहुत काम है। तो फिर मैं सुल्ताना के लिए कुछ नहीं लिख सकता, मैं आपका इंतजार करूंगा। कैसा हुक्म? किससे हुक्म मिला था तुम्हें? मेरे पास हुक्मनामा आया था पाशा, शहजादे मोहम्मद सलीम साहब की मोहर के साथ। अब तक उनका मुंह बंद रखने में कामयाब रहे हम, और उन दस्तावेजात को मंजर आम पर आने नहीं दिया, लेकिन वो दस्तावेजात एक बार फिर हमारे सामने रख दी गई। जिंदान के मुंतजिम को शहजादा मोहम्मद सलीम साहब का मोहरजद हुक्मनामा मिला था। आप इस बात का तजुर्बा करना चाहती हैं जो मैंने कहा वो सच है या नहीं? क्या ये आपके बेटे के लिए खतरनाक साबित नहीं होगा? आज से बतौर शहजादा सिर्फ अब्दुल कादिर की मोहर चलेगी। तुम्हारे नुकसान पर अफसोसदा हूं मैं, ये भी नहीं कह सकता कि मत रो, बल्कि रो, इतना रो कि ये आंसू तुम्हारे अंदर लगी आग को बुझा दे। आग कभी नहीं बुझ सकती, मैं इस दर्द के साथ नहीं रह सकती, मेरी सांसें रुकती हैं। आग बुझ नहीं सकती, लेकिन तपिश कम हो सकती है, मुस्तकबिल में ठंडी हो जाएगी। पहले इसकी तपिश बढ़ती है, फिर कम होना शुरू हो जाती है। मैं कैसे जिंदा रहूंगी? इंसानों ने वो तकलीफें बर्दाश्त की हैं जो पहाड़ भी नहीं कर सकते। इंसान ऐसी मखलूक है जो वक्त के साथ हर चीज का आदी हो जाता है। उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, चाहे वो मेरे पास नहीं थी, लेकिन हम एक ना एक दिन तो मिलना था। मैं तो उसकी ताकत के सहारे खड़ी थी, अब मैं किसके सहारे खड़ी होंगी? किसके सहारे खड़ी होंगी? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं जो आपकी तकलीफ को कम कर सके।
हर लफ्ज मौत के सामने बेकार है। क्या आप मेरी बहन के कातिलों को तलाश कर सकते हैं? बताएं। हुक्म दे चुका हूं मैं, मेरे आदमी तलाश कर रहे हैं। परेशान मत हो, हम तलाश कर लेंगे। शायद इस तरह मुझे कुछ सुकून मिल जाए। ये क्या है? एक याद जो मेरे साथ है। बंदरगाह पर मजदूरों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। खलील खालिद ने जाकर बात की और वो सब चले गए। हमने जिन मजदूरों को रिश्वत दी थी वो सब जा चुके हैं। रुबीना, हमें बंदरगाह हासिल करनी है। आज रात या तो हम सामान ले आएंगे या जहाज चला जाएगा। खलील खालिद अपने तमाम आदमियों के साथ वहां मौजूद है। हम पायतख्त में कुछ नहीं ला सकते। अगर मैं मंशियात का जहर यहां नहीं ला सका तो मैं शिफा बख्श अद्वियात लेकर आऊंगा। तो ये नोटों से भरा हुआ है ना? मैं आपसे थोड़ी सी मालूमात चाहता हूं, फिर ये सब आपका हो जाएगा। फुआद साहब, अगर आपकी मतलूबा मालूमात छोटी सी होती तो ये रकम इतनी कसीर न होती, जबकि मैं देख रहा हूँ कि ये काफी भरा हुआ है। चलें देखते हैं आप क्या चाहते हैं। मैं अब्दुल हमीद की खुफिया तंजीम के बारे में मुतजस्सिस हूँ। मैं जानता हूँ आपको उस तंजीम के बारे में मालूम है। फुआद साहब, आप मुझे कभी भी पसंद नहीं थे, क्योंकि आप हमेशा डरपोक लोगों की तरह रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये रकम आपको कहां से मिली, किसके साथ काम कर रहे हैं आप? मैं यहां आपसे सवाल पूछने आया था महमूद पाशा, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर मैं इस रकम के एवज आपकी मतलूबा मालूमात आपको फराहम कर देता हूं तो एक बार फिर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा, तो इस रकम को खर्च करने से पहले मैं जिंदान में होऊंगा। इसलिए फुआद साहब, मुझे इस पेशकश में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप मुझे सारी तफसीलात दें, बस थोड़ी सी मालूमात काफी है। हाँ, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं। अब्दुल हमीद ने आपको अपना राज बताया ही नहीं होगा। फुआद साहब, मैं रियासत के उन चंद लोगों में से हूँ जो तमाम राजों से वाकिफ हैं। मेरा यकीन कीजिए, अगर आप ये राज जानने के लिए मेरे कदमों में पूरी दुनिया की दौलत भी लाकर रखते हैं, तब भी मैं ये राज अफशा नहीं करूंगा। जिंदान में जिंदगी गुजारना नहीं चाहता मैं। तो फिर ऐसी पेशकश करता हूँ जो आपके फैसला करने में आसानी पैदा करेगी, कुछ ऐसा जो हम दोनों के लिए फायदेमंद हो। आप रकम लीजिए, मुझे मालूमात दीजिए और आप जिंदान भी नहीं जाएंगे। और ये कैसे होगा? आप मुझे मालूमात देंगे और रकम हासिल कर लेंगे, फिर आप अब्दुल हमीद के पास जाएंगे और बताएंगे खुफिया तंजीम के तमाम लोग बेनकाब हो चुके हैं, ताकि अब्दुल हमीद तदाबीर इख्तियार कर सके। सिर्फ एक छोटा सा इशारा दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल पाशा, छोटा सा इशारा। तो फिर ये होगा फुआद साहब कि मैं सुल्ताने मौजम से कहूंगा कि राजों से पर्दा उठ चुका है। सौदा पक्का? सौदा पक्का पाशा। तो फिर फुआद साहब, ये रहा कागज और ये कलम, चलिए लिखते जाइए जो मैं बता रहा हूं।
आ जाएं। सुल्तान मौसम, आपने मुझे बुलाया? हालात कैसे हैं पाशा, बताइए हमें। हमने एहतियाती तदाबीर कर ली है। हमारे सिपाही तहसीन पाशा की खोज में है। हम शहर के रास्तों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खबर मौसूल नहीं हुई। सिफारत खानों में मौजूद हमारे जासूसों की तरफ से कोई खबर मिली? तहसीन पाशा वहां नहीं गया है सुल्तान मौसम। और कुछ है जो वैम्बेरी साहब बताना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको ही बताएंगे। बुलाइए उन्हें। सुल्तान मौसम, मुझे एक अहम मसले के हवाले से फौरन आगाह करना है आपको। बताइए, सुन रहे हैं हम। तहसीन पाशा ने नौजवान तुर्कों को रियासत के राज बताना शुरू कर दिए। क्या आपको अपने जरिए पर यकीन है? तहसीन पाशा ने जो भी अहम मालूमात उन्हें दी हैं वो मुझ तक पहुंची हैं सुल्तान मौसम। लेकिन आप कहिए वैम्बरी साहब, अहमद पाशा के जानने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने बताया है कि खुफिया तंजीम के अफसरान कहां और कैसे काम करते हैं सुल्तान मौसम। सुना आपने, अहमद पाशा। फौरन पाए तख्त में तलाश करें। तहसीन पाशा को जिंदा या मुर्दा यहां लाया जाए। बंदरगाह पर जो हमारे आदमी हैं वो भरोसे के लायक हैं? जी, वो सब भरोसे के आदमी हैं। और रिश्वत लेने वाले अफसरान? मैंने अहमद पाशा से बात की, तमाम को बर्खास्त कर दिया गया है। अहमद पाशा ने अपने जाती आदमियों को रखा है। आला, अहमद पाशा के आदमी वफादार होंगे। लेकिन उन्होंने मजीद कहा है कि अगर मंशियात पाया तख्त में दाखिल होती है तो उसके कसूरवार हम होंगे। हम जानते हैं कि यही होगा उस्मान, वो बाज नहीं आएंगे। कोई भी वजह बनाकर वो अफ्यून को पाया तख्त में लाने की कोशिश जरूर करेंगे, देख लेना, होशियार रहो। चाचा, कुछ अफवाहें हैं कि मुखालिफिन अमानतदार का साथ देना चाहते हैं। हमारी तादाद कम है जबकि उसका हुजूम बढ़ता जा रहा है। हम में से एक भी उन पर भारी पड़ने के लिए काफी है, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। हम हक पर हैं, इसीलिए मजलूमों की दुआएं साथ हैं। उन्हें बेशुमार हो जाने दो। हमारे पास ईमान की कुव्वत है, हमारे पास हिम्मत है, इसके अलावा पाया ताकत है हमारे पास, सुल्तान मौसम है। क्या हुआ तातार? जैनब की बहन पर गोलियां चलाने वालों के बारे में कुछ मालूम हुआ? हमें मालूम हो गया जनाब। ठीक है, उन्हें फौरन तलाश करके मेरे पास लाओ। हाँ, ले आया जनाब, वो हम हैं। जैनब खातून की बहन जिस बग्गी में थी उस पर हमने गोलियां चलाई। तुम क्या कह रहे हो? ये हम खुद भी उलझे हुए हैं जनाब। हमें मालूम हुआ कि बग्गी में मनुष्यात हैं। हमने घात लगाई, उस बग्गी को रोकना चाहते थे, लेकिन बग्गी के अंदर से गोलियां चलाई गई तो हमने भी जवाबी कार्रवाई की और बग्गी हमारी आंखों के सामने धमाके से उड़ गई। क्या हमारी चलाई गई चंद गोलियों से बग्गी धमाके से उड़ सकती है चाचा? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है उस बग्गी में बम था। जैनब की बहन उस मंसूबे का निशाना बन गई जो क्या हमारे लिए बनाया गया था। जैनब,
जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो नींद नहीं आती मुझे। क्या आपको कुछ मालूम हुआ कि मेरी बहन की बग्गी पर आखिर किसने गोलियां बरसाई थी? जैनब, अब तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब तुम ठीक हो जाओगी हम तब बात करेंगे। आपको मालूम हो क्या, यानी आप जानती हैं कि मेरी बहन को किसने मारा है? जैनब, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। मुझे बताइए, मेरी बहन का कातिल आखिर कौन है? खलील खालिद। क्या? उसके हुक्म से उसके आदमियों ने बग्गी पर गोलियां चलाई। ये नामुमकिन है। खलील खालिद तो कभी किसी मासूम इंसान की जान नहीं ले सकता। प्यारी ज़ैनब, खलील खालिद रियासत का सियाह हाथ है। लेकिन वो मेरी बहन को क्यों तकलीफ देना चाहता था? वो पाया तख्त में आने वाली हर बग्गी की निगरानी कर रहा है। तुम्हारी बहन जिसमें सवार थी उसकी भी तलाशी लेना चाहते थे वो, लेकिन बग्गी के घोड़े डर गए और वो भागने लगे, तो उसके आदमियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मेरी बहन, मेरी बहन। खुद को संभालो मेरी प्यारी बहन। क्या तुमने कर दिया? क्या किया? जी हाँ। बेहतरीन। क्या हुआ? रुबीना, हमारे दोस्तों को मुतला करें, जो चश्मे पाए तख्त से बह रहे हैं उनका पानी ना पिए। क्या तुमने पानी को जहरीला कर दिया है? मैं पाए तख्त को बर्बाद करने आया हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो कौन मरता है। इस तरह तो बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे। जंग में मासूम लोग मरते हैं, क्या करें, यही जंग का उसूल है। अब हम जहर के दरिया के तौर पर अफ्यून के डब्बे पाए तख्त में लेकर आएंगे। ना ही खलील खालिद इससे इनकार कर सकता है और ना ही सुल्तान। जहाज पर खबर भेजो, अफ्यून के तमाम डब्बों पर तिब्बी सामान का निशान लगा दें, और फिर अखबार में खबर आएगी कि पाए तख्त में फैलने वाले जहर का तरियाक जहाज पर मौजूद है। खलील खालिद जहाज से सामान को उतरने नहीं देगा। ऐसी सूरत हाल में फिर दूसरी खबर आएगी, इस शहर का डाकू खलील खालिद मासूम लोगों को मरने दे रहा है। हाँ। ये लिबास बहुत खूबसूरत है, मैं इसे नुमाइश के लिए लगा रही हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं। क्या आप महल जा रही हैं? नहीं, हम सहाफी से मिलेंगे। हम मुहाफिजों की नजरों में आए बगैर जाना चाहते हैं। लेकिन सुल्ताना। फिक्र ना करो, हमें देर नहीं होगी। जुहल, इसकी खबर किसी को ना हो। ठीक है, मोहतात रहिएगा। ठीक है। अल्लाह हमें कभी दोबारा ना मिलाए। हम जिंदगी भर आपका चेहरा नहीं देखना चाहते, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने गुनाहों से छुटकारा पालेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वालिदा, आपने हमें बुलाया। आइए बेटा, बैठिए, हमें आपसे बात करनी है। क्या आपने नाइमे के मुतालिक बात करनी है, अखबार में छपी खबर के हवाले से? नहीं, हालांकि इस मसले का ताल्लुक भी उस मसले से हो सकता है। जब आप यूरोपीय मलबूसात वाले कारोबार में शामिल हुए थे तो हर वक्त परेशान रहते थे। वालिदा,
आज जानती हैं कि शराकतदारी खत्म हो चुकी है। हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं, लेकिन एक और मामला है जिसने हमें परेशान किया हुआ है। शराकतदारी छोड़ने से कबल क्या आपने स्नेहा सुल्तान और शिवनाज खातून के दरमियान कभी तजारती तनाजे का मुशाहिदा किया या कभी कोई बहस होते हुए देखी किसी भी किस्म की? शिवनाज खातून फूफी के साथ शराकतदारी करके खुश थी, यहां तक कि फूफी भी शिवनाज खातून की तजारती जहानत की कायल थी। फिर तो ये बहुत अजीब बात हुई। क्या अजीब है वालिदा? स्नेहा सुल्तान ने भी शराकतदारी खत्म करने का फैसला किया है। हो सकता है महमूद पाशा ने बोला उन्हें। सुल्ताना। कहिए जुल्फत। आपने कहा था कि आप स्नेहा सुल्तान से बात करना चाहती हैं, लेकिन वो कुछ देर पहले ही जा चुकी हैं। ठीक है, तो उन्हें पैगाम भिजवाइए कि कल हम उनसे मिलने के मुंतजर रहेंगे। जो आपका हुक्म सुल्ताना। क्या हुआ? क्या वो मान गया? बेहतरीन, ये तबादले की पेशकश के लिए काफी है। जबरदस्त, तुमने अच्छा काम किया है फुआद। मैंने कुछ नहीं किया। आपका अंदाजा सही था कि उस रकम से महमूद पाशा का मुंह खुल जाएगा। महमूद पाशा पहले भी दौलत की लालच में खयानत कर चुका है। रेलवे के मंसूबे के दौरान बोली अंग्रेजों को दिलवाने के लिए उसने बहुत कोशिश की थी और रकम भी ली थी उसने। हाँ बस हमारा थोड़ा खर्चा हो गया। हम दौलत से ऐसा कुछ नहीं खरीदेंगे जो बाद में हमें नुकसान पहुंचाए। काश के हम दौलत से हर चीज खरीद सकते। आरिफ साहब। मैं जानता था कि आप आएंगी, लेकिन आप थोड़ा देर से आईं। मुझे उम्मीद है कि काम के मामले में आप वक्त की पाबंद होंगी। अगर पाबंद नहीं है तो आप तनख्वाह लेने की मुस्तहक नहीं है। क्या आपको उस खुदगर्ज और फजूल खर्च नाइमे सुल्तान के साथ काम करना अच्छा लगता है? आप कौन होते हैं आखिर नाइमे सुल्तान के बारे में इस तरह बात करने वाले? मैं आरिफ हूं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपना तारुफ कराया था आपसे। शातिर इंसान। आपके इस अंदाज से तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप ही नाइमे सुल्तान हैं मुतरमा। माजदत के साथ क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मौजू हम नहीं है, नाइमे सुल्तान है। तो ठीक है, मुझे नाइमे सुल्तान के बारे में बताएं। क्या उनके पास खूबसूरत लिबास नहीं है मोहतरमा? है, यानी खूबसूरत लिबास है लेकिन उनके पास महंगे जेवरात नहीं है क्या? उनके पास जेवरात है लेकिन क्या वो... पेरिस से आए कपड़े यूरोपी लिबास की दुकान में फरोख्त नहीं होते? हाँ, फरोख्त होते हैं लेकिन। ये लीजिए, आपने पहले ही अपने मुंह से हर चीज कबूल कर ली है, तो फिर मेरी तहरीर झूठी नहीं है। क्या ये ठीक नहीं है खातून? ये मुनासिब नहीं है, आपने हमारी बात काटी है। हाँ है, नाइमे सुल्तान के पास कुछ कीमती लिबास और जेवरात मौजूद हैं, लेकिन वो सादगी को और शाइस्तगी को पसंद करती हैं। मजीद ये यूरोपी मलबूसात की दुकान में हम ऐसे कपड़े बेचते हैं जिनको मकामी धागों से तैयार करते हैं, यहाँ तक कि हम। ठीक है ठीक है, मजीद वजाहत की जरूरत नहीं। मैंने यूरोपी कारोबार के बारे में तहरीर लिखने का फैसला कर लिया है। क्या? अगर एक आम मुलाजमा भी नाइमे सुल्तान का इतने खलूस और यकीन से दिफा कर रही है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने मजमून का असर नौ जायजा लूं। अगर आपने फैसला कर लिया था तो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? इस मासूम खूबसूरती को दिन की रोशनी में देखने के लिए। मुनासिब नहीं है ये।
जनाब, क्या आप जा रहे हैं? कहां? जैनब को हादसे के बारे में हकीकत बताने के लिए था। जनाब, गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात का यकीन करेंगे कि यह मंसूबा हमारे लिए बनाया गया था, क्योंकि हमने ही उस बग्घी पे गोलियां बरसाई थी। जैनब को हकीकत जानने का हक है। ठहरे, एक इससे भी ज्यादा अहम बात है। बंदरगाह के बारे में? नहीं, पायतख्त में वबा फैल गई है, हर कोई बीमार है और वजह पानी है। इसकी जिम्मेदारी सुल्तान मुअज्जम ने ली थी। पानी के चश्मों पर सिपाही तैनात किए थे। नहीं मालूम, तबीबों का कहना है कि पानी में जहर मौजूद है। लोगों को खबरदार कर दिया गया है कि पानी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, पहले पानी वाली जगह पर चलते हैं। खलील खालिद और उसके आदमी पानी वाली जगह पर जाएंगे। हम उस वक्त वहां उन पर हमला करेंगे। तुम सब ने कहा था कि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो। सब वाकिफ है हमारी ताकत से। हम अपनी ताकत में तुम्हें शराकतदार बनाएंगे। हर कोई मुझे अमानतदार के नाम से जानता है, लेकिन वो गलत जानते हैं। मैं पाए तख्त आया हूं अब्दुल हमीद के जुल्म से मजलूमों को बचाने के लिए। तुम्हारे बहुत से भाई अब्दुल हमीद के जिंदानों में सड़ रहे हैं और तुम्हारे बहुत सारे भाइयों को पाए तख्त से जान बचाकर भागना पड़ा। तुम सब बहुत तकलीफ में हो, मैं जानता हूं। तुम्हारे भाइयों के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए, तुम्हारे साथियों के लिए अब वक्त है अपनी पूरी कोशिश करने का, ताकि वो यहां पर वापस आ सके। सुल्तान मुअज्जम, तहसीन पाशा की सूरत हाल ने मुझे भी सख्त परेशान किया है। मैं सबाहतीन से इस बारे में बात करना चाहता था कि कैसे तहसीन पाशा ने नौजवान तुर्कों के साथ ताल्लुक कायम किया, लेकिन आप जानते हैं सबाहतीन साहब मुझ पर ज्यादा एतबार नहीं करते। इसकी जरूरत नहीं है महमूद पाशा, जल्द या बदेर हम जान ही जाएंगे कि कौन किसके साथ है और फिर हम उन्हें सजा देंगे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, तहसीन पाशा कह रहे हैं कि फैमबेरी साहब की खुफिया मालूमात दुरुस्त हैं। हमें एक टेलीग्राम मौसूल हुआ है जो पेरिस से भेजा गया है। क्या चाहते हैं वो? तहसीन पाशा के बदले एक आर्मेनी दहशतगर्द की रिहाई चाहते हैं। ये आपको मुतनाजा बनाने के लिए है सुल्तान मुअज्जम? यानी उनका असल चेहरा पूरी तरह वाज़ह हो चुका है। ये मुखालफत की बात नहीं है, वो सिर्फ इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्म आपका है सुल्तान मुअज्जम। अगर वो तबादला चाहते हैं तो आप तैयारियां शुरू कर दें अहमद पाशा। माफी चाहता हूं मैं, लेकिन एक दहशतगर्द को रिहा करना रियासत के साथ जुल्म है। आप परेशान मत हो पाशा, सिर्फ एक ही चीज है जो वो हमसे हासिल कर सकते हैं, रियासत की तरफ से एक जोरदार तमाचा। तबादला नहीं होगा पाशा, तबादले के मैदान में गद्दारों से उनके किए का हिसाब लिया जाएगा। जो भी मुखालफत के लिए सामने आएगा, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर तहसीन को भी गोली मार दी जाएगी। मुझे बैतुलखला जाना है। मैंने कहा बैतुलखला जाना है मुझे। इस दरवाजे से बाहर जाओ, रास्ता नजर आ जाएगा।
मेरे अल्लाह, मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखा या मेरी जान ले ले। मेरी वजह से रियासत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। तेरे दर के सिवा मेरे पास कोई और दर नहीं। मैं खुदकुशी कर लेता अगर मुझे मालूम होता कि मैं माफ कर दिया जाऊंगा। या मेरे रब, मेरी उम्मीद तुझी से वाबस्ता है। मुझ में अब बर्दाश्त की ताकत नहीं। तू मेरे रोते दिल की पुकार सुन रहा है। मुझे जिंदगी के बदले रियासत का सौदा करने से बचा ले मेरे अल्लाह। ये मर चुके हैं, वो यही हैं। छुप जाओ। जिसकी पिस्तौल में गोली बाकी रही उसे मैं मार दूंगा। तुम इस जगह को संभालो, मैं नादिर साहब के साथ इनके पीछे से हमला करूंगा। हमारी हिफाजत करो। नादिर साहब चलिए। भागे नादिर साहब भागे, भतीजे ज्यादा देर उन्हें रोक नहीं पाएंगे। भागे। गोली चलाओ। वो तैयारी से आए थे लेकिन हमारी गोलियां खत्म नहीं होंगी। जल्दी अपने पीछे देखो। हाँ हाँ देखो पीछे। हम फंस चुके हैं, जल्दी पीछे हटो। मेरा पांव। क्या आप ठीक हैं? लार्स, तुम जाओ। मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। लार्स जाओ, रूबीना हमारा मंसूबा जानती है। जाओ। अमानतदार, तुम्हारा खेल खत्म हुआ समझे? मैं कोई तनख्वाह लेने वाला मजदूर नहीं हूं खलील खालिद। मैं खुद मालिक हूं। मैं फैसला करता हूं कि खेल खत्म हुआ या नहीं। हमने तुम्हें घेर लिया है, तुम्हारे आदमी भाग चुके हैं, तुम जख्मी हो लेकिन अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो। खलील खालिद, मैं हर जगह से फरार हो जाता हूं। इसे उठा लो। अब सिर्फ तुम्हें मौत ही फरार करवा सकती है। ले चलो इसे। हम फैसला करेंगे कि तबादला कहाँ होगा। वो तहसीन पाशा को उस जगह ले आए जहाँ हम मुनासिब समझते हैं। वो अपनी मर्जी के आदमी को निकलवाना चाहते हैं और हम अपनी मर्जी की जगह पर तबादला चाहते हैं। सुल्ताने मौसम, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तबादले के लिए मैं जाऊं? आप इकदामात करेंगे पाशा, तबादले के लिए होलो पाशा और तौफीक पाशा जाएंगे। आपका काम मुख्तलिफ है। जैसे ही आप रियासत को धोखा देने वाले को देखेंगे गोली मार देंगे। जो आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। आप क्या कहते हैं महमूद पाशा, क्या यह टेलीग्राम सही है? सुल्ताने मौसम, मैं कसम खाकर कहता हूं फुआत नामी गद्दार को जो मैंने मालूमात दी थी ये हूबहू वही है।
आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अमानतदार, अमानतदार, तुम्हारा असल नाम क्या है? अपने लिए मुश्किल मत बनाओ। खलील खालिद, मेरे हाथ खोल दो। खलील खालिद, मेरे हाथ खोल दो। खलील खालिद, क्या तुम देख नहीं रहे खुद पर कितना यकीन है मुझे? से छोड़ दो तुम अपनी, वरना बहुत लोग मरेंगे। हर कोई मरने से पहले आखिरी बार जीने का यकीन चाहता है। ये आदमी फलसफी है। नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें मारने के बाद मैं इंसान की मौत के बारे में सोचने वाला फलसफी बन सकता हूं, मगर उससे पहले तुम जमीन बोस हो जाओगे। ततार रुक जाओ, रुक जाओ। रुको ततार, रुको। देखो, तुम्हारे चाचा को होश आ गया है। मुझे बताओ, तुम क्या कर रहे थे? मैं बताऊं? पाए तख्त के बहुत से लोग जहर से मरेंगे, जिसे हमने पानी में मिलाया है। खलील खालिद, तुम सोच रहे थे कि हम लोग अफ्यून ला रहे हैं। हम लोग ऐसी चीज ला रहे थे जिससे हम अफ्यून से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। वो जहर का तरियाक है, जहर का तरियाक बंदरगाह पर मौजूद है खलील खालिद, और सिर्फ मैं ही हूं जो जहाज से वो ला सकता हूं। वो सामान सिर्फ मेरे हुक्म से लिया जा सकता है। अब या तो तुम मुझे खोल दोगे और मैं जहाज से सामान लाकर कम कीमत में तुम्हें बेच दूंगा, या फिर सब लोग मरेंगे। चाचा, कोई मिलने आया है आपसे? जोरिस को वहां कैसे छोड़ सकते हो? हालात खराब हो गए थे, उन्होंने कहा कि तुम मंसूबे को आगे बढ़ाओगी। अगर जोरिस मर गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। जोरिस पूरे अहतमाद था, यकीनन उसका कोई मंसूबा है। ठीक है, मैं वो करूंगी जो वो कहता है। तुम लोग हर चीज के लिए तैयार रहो। ज़ैनब, क्या यह सच है कि मेरी बहन को आपके आदमियों ने मारा है? मेरी बहन को तुम लोगों ने मारा है? ज़ैनब, जो मैंने पूछा है बस वो बताइए कि मेरी बहन को आखिर किसने मारा है? मेरे आदमी ना किसी पर गोलियां नहीं चलाते। तो क्या मेरी बहन को मारना ठीक था कि आप अपने ही आदमियों का दिफा कर रहे हैं? क्या आपने उस बग्गी पर हमला करने का हुक्म दिया था? हमें इत्तला दी गई थी कि उस बग्गी में भारी मकदार में मंशियात है। मैं आपसे ये तवक्को कर रही थी कि आप कहेंगे ज़ैनब मुझे कुछ नहीं मालूम, हम लोग कसूरवारों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर खुद ही वो इंसान निकले जिसने मेरी बहन को मारा है। आप ही हैं वो। ज़ैनब सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुमने सुना है, वो सिर्फ एक मंसूबा था। ज़ैनब देखो, मुझसे कुछ मत कहिएगा,
मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आप ही थे जिसने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी थी, और अब आप ही ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा दर्द दे दिया। आपका शरबत सुल्ताना। शुक्रिया। गुलजार, क्या आपको लगता है हम मगरूर हैं? नहीं सुल्ताना, हरगिज़ नहीं। आप जो कुछ सोच रही हैं बिला झिझक बताइए। मैं अपनी हद में रहना पसंद करती हूँ। आप सर उठाइए। अब आप हमें बताइए कैसे हैं हम। आप बिल्कुल मगरूर नहीं हैं। इसके बरक्स आप एक मुहस्सिब, हमदर्द और अच्छे दिल वाली खातून हैं, सुल्ताने मौजम और हमारी सुल्ताना जैसी। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ रहती हूँ सुल्ताना। अब आप जा सकती हैं। शब बख़ैर सुल्ताना। आप हमारे बारे में गलत हैं आरिफ साहब। नाइमे बेटी, हम आपको तलाश कर रहे थे। आप कमरे में नहीं थी तो समझ गए कि यही होंगी। क्या हुआ? क्या जैनब ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं है ना? जैनब की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम आपसे कुछ और बात करने आए हैं यहाँ। क्या हुआ वालिदा? क्या हमारी गैर मौजूदगी में कुछ हुआ है? जी बिल्कुल। आज हमने आपकी फुप्पी को शिवनाश खातून के साथ बहस करते हुए सुना है। बहस करते हुए? किस बारे में बहस? आपकी फुप्पी ने कहा कि ये कारोबारी मामला है और वो शराकतदारी छोड़ रही हैं। कल तक तो उन्हें शराकतदारी से कोई मसला नहीं था। नाइमे, आपको क्या लगता है कि आपकी फुप्पी ने अचानक ये फैसला क्यों किया? हमें यकीन नहीं, लेकिन फुप्पी को भी शिवनाश के बारे में कुछ शुबहात है। बेटी, तुर्क कहवा लाइए हमारे लिए। ये लिफाफा किसका है? ये आपके लिए आया है सुल्ताना। कब आया है और कौन लाया इसे? ये दोपहर को आया था। कोई आदमी लाया था जिसे मैं नहीं जानती, और ना उसने बताया कि ये किसने भेजा है। पेरिस से टेलीग्राम आया है, अब्दुल हमीद तबादले के लिए रजामंद है। अब्दुल हमीद की दर्द से कराहने की आवाजें पेरिस में नौजवान तुर्कों के इजलास में गूंजेंगी। है ना, है ना। एक टेलीग्राम अभी पेरिस भेजो कि हमें तबादले के वक्त और मुकाम के मुतालिक बताएं। अब्दुल हमीद का एक खास हुक्म है, जगह और वक्त का तायुन वो करेगा। फिर वो फौरी तौर पर हमें वक्त और जगह का बताए। तहसीन पाशा को बता दो कि जिंदान जाने के लिए तैयार हो जाए। आपके कहने के मुताबिक हमने अफ्यून के डब्बों पर तिब्बी सामान की मोहर लगा दी है। ऊपर की बोतलों में तरियाक है और उनके नीचे मंशियात। जब गद्दार सामने हो तो आपका फर्ज है कि उसे जमीन में दफन कर दें। अहमद पाशा, आपको रकम मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले हमारे तबीब इसका मुआयना करना चाहेंगे। जरूर आइए हमारे दोस्त। सुल्तानी मौसम, हम सुल्तान अब्दुल मजीद खान के बेटे सुल्तान अब्दुल हमीद खान हुक्म देते हैं फुआद को गिरबान से पकड़ के घसीटते हुए यहाँ लाया जाए।